हेलो। और कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? अरे शिबू टीटीएस एलकेओ। हाँ शिबू भाई, सब खैरियत? हाँ, अपने अल्लाह का करम है, उसके रसूल का करम है, अपने पीर मुर्शिद का करम है। अपने बताइए। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह सुभान अल्लाह का करम। अच्छा अरे हम एक आइडिया यार हमारे पास आई थी, तो उसमें बोला कि क्या कहते हैं आपको खान, ये वसीले के कुरान शरीफ की 25 आयतें पेश करेंगे जिसमें वसीला लेना हराम है। तो हमने कहा अफू खान से पूछेंगे कौन सी भाई आयत है, हमको भी बता दें जरा। अरे बता तो दिए, कितने वीडियो पड़े हुए हैं, सारे हवाले दे चुके हैं, सब तो हमको तो दे फरीद दो भागे तुम। हुए हैं। अरे हमको तो दे दो कुछ, हम्म, हमने नहीं सुनी, हमने तो खाली आपकी आइडिया सुनी है, कोई एक दलील तो दे दें। हाँ जी तो क्या हो गया? हेलो, क्या हुआ? शिवू किस तबीयत अभी बात ठीक फोन नहीं उठा हुई रहे हैं? क्या? हेलो, हम नहीं उठाएंगे। क्या हुआ अरे फिर से आपको? बोल दो, अभी डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं ना, यही फिर बोल तो दो। बोल। हेलो, हेलो। हाँ हाँ यार, क्या बताइए। हो अरे गया? कहाँ कुछ नहीं। अरे हो यार, बड़ी आवाजें आ रही हैं। भाई ससुराल में हो गया? बाहर है। ससुराल में हो गया? अच्छा नहीं भाई। अच्छा क्या आप कह रहे थे? भाई मैं ये कह रहा था यार, क्या कहते हैं, एक अभी ग्रुप में आई थी आईडियो, अफ्फू खान ने देखो 25 आयत पेश करेंगे, जाकिर नायक पेश ना कर सके लेकिन अफ्फू खान पेश करेंगे, वसीला हराम है कुरान से, 25 आयत पेश करेंगे। तो भाई ये हमने कहा अफ्फू खान को फोन मिला लें, थोड़ा हम भी पूछ लें। असल में ये ना, 25 की 25 आयतें इंशाल्लाह आपको बता देंगे, जिसमें जो मक्का के जो मुशरिक थे और आज के जो बरेलवी हैं, जो वसीला अच्छा देते थे, वो शिर्क हराम है, नाजायज है। अच्छा लेकिन आपका जिन जाग जाएगा, ठीक है, हवाला मेरे भाई आप सुन नहीं पाओगे पूरे। अरे देव तो हवाला, हम बगैर सुनने के लिए तो फोन मिलाया यार हमने। अच्छा भाई सूरे अलानाम, सूरा नंबर 6, आयत नंबर 51, सूरे अच्छा अल बकरा सूरा नंबर 2, आयत नंबर 48, सूरे हाँ हाँ इब्राहिम सूरा नंबर हाँ 14, आयत नंबर हाँ 21 और 22, अरे सूरा सूरत अल पढ़ के तो इसरा बताओ। अरे सूरा नंबर 17, आयत नंबर 157, सूरे सूरत पढ़ के फातिहा तो बताओ, सूरत सूरा नंबर 1, आयत नंबर 5। पढ़ के तो बताओ, सूरत अरे सूरे फातिहा सूरा नंबर 1, आयत नंबर 5 में है, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। और उसके बाद क्या है? एहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। वसीला मेरे भाई पूरी सूरे फातिहा में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीला उसमें पूरे डायरेक्ट कहा पूरे जा रहा है कि ए अल्लाह, अच्छा हम सिर्फ डायरेक्ट। तेरी इबादत करते हैं, तुझसे हाँ ही मदद मांगते हैं। और फिर उसके बाद क्या कहा कि मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे उनके रास्ते पर चला जिस पर चला ना। तूने इनाम किया। हाँ तो ये भाई जो हमारे सहाबा का रास्ता है, उस पे अल्लाह ताला हाँ हमको भाई तो चलने की किसके तौफीक ऊपर दे, इनाम आमीन या किया? रब्बुल इनाम आलमीन। तो किसके ये ऊपर वसीला किया? कहाँ से आ गया? अच्छा ये वसीला नहीं है तो इनाम किसके ऊपर किया? रास्ता नाम में उस उन्हीं पे का किया चलना है गया ना, है जो तो अच्छा अल्लाह के रास्ता में रसूल उन्हीं और को सहाबा चलना है इकराम ना। के तरीकों पे चलेगा। अच्छा सहाबा इकराम के तरीकों पे चलना है, यानी ये वसीला नहीं है, है? अब वसीला कहाँ से हो जाएगा? तो इससे पहले अल्लाह ताला ने साफ साफ मना कहा किया था इससे अब मैं पहले आपसे कि कह रहा हूँ कि इबादत इमाम तो अबू बरेली है, हनीफा बताओ रहमतुल्लाह किसी के जो पीर फर्ज पीर पास गुरु है उस फिर पे गुरु चलो, पहले सुनो उसको भी हमारी, पहले आपका मेरे भाई हमारी उनको सुनो, वसीला पहले बना हमारी सुनो, लेंगे। पहले हमारी सुनो, हे इसीलिए टट्टी हमने कहा कोर था हमारी आपका सुनो, जिन पहले जाग पहले जाएगा मेरे हमारी भाई। सुनो, देखिए टट्टी कोर हमारी सुनो, पहले टट्टी कोर, अब हे मेरे भाई टट्टी टट्टी बदतमीजी पे आ टट्टी रहे हैं। टट्टी टट्टी अपू टट्टी अपू टट्टी, पहले हमारी अब आप सुनो। बदतमीजी पे आ रहे हैं अरे भाई पक शिबू पक पक भाई। पक बंद करो, ए पक पक बंद करो, ए रियाली पहले हमारी सुनो। भाई अब आप मेरे भाई हेलो, बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तभी हम बोल रहे हैं अपू टट्टी कोर, तुम्हारा नाम याद दिला रहे हैं अपू टट्टी कोर। नहीं आप लोग मेरे भाई टट्टी खाते हो ना, इसलिए आपको हर जगह लगता है टट्टी खोर हूँ। आप नाम समझ तो सकते हैं तुम आप फेमस हो, लोग की चलो आदत। सब बात छोड़ो, पहले हमारी सुनो, एक बक बक, ए बक बकिया अरे बोलो भाई, रियाली चुप तो बती। हूँ, पागल आगल हो गए हो क्या, भांग भांग खा के फोन करते हो? अरे बक बकिया, पहले हमारी अरे सुनो, पहले हमारी सुनो, ये बताओ अल्लाह ताला ने मखसूस मना किया कि वसीला लेना हराम है, कोई एक आयत है वसीले की हराम की? हमने पूछा था, तुम लोगों ने हराम का दावा करते हो ना, तो हराम हाँ की तो पूछे कि मेरे अल्लाह भाई ताला ने मना वसीला किया लेना है? तो फर्ज है ना, अहले सुन्नत अहले हदीस के वहाँ वसीला लेना फर्ज है, लेकिन जो बरेलवी बिदती लोग जो अच्छा वसीला लेते हैं वो हराम है। अच्छा जो वसीला दोनों लेते हैं बातों में हराम फर्क है। है अच्छा ना। अब भाई कब्रों का, मजारों का, दरगाहों अच्छा का, आस्थानों का वसीला लोगे तो ये मेरे भाई शिर्क अच्छा है।
और अगर भाई वो सब्र का नमाज का मेरे पे वसीला लोगे तो ये जायज है फर्ज है। तो वसीले भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, एक होता है जायज वसीला, एक होता है नाजायज वसीला। यानी अपने पापी पेट का सवाल आए तो वसीला ले सकते हैं, और औलिया किराम की मोहब्बत का सवाल आए तो ये हराम है, वो हराम है। आपके मोहब्बत करने से मोहब्बत दीन थोड़ी ना बन जाएगी, मोहब्बत करते हैं औलिया किराम से मोहब्बत करें मेरे वसीले से हराम है। पेट का सवाल है तो साला क्या कहते हैं, पेट से खाना निकाल के खा ले, वो चलेगी खाना खा ले यार। सुनो कि क्या है अहले हदीस, पहले हमारी तो सुन लो यार, तुम कुछ तो उसूल बांध लो ना। ससुराल में मार खाए हो तो ठीक है, तो आप थोड़ा ससुराल में पिटे हो इसलिए तुम्हारा दिमाग फिर गया है भाई। तुम्हारे सालों में तो बरेल में तुम्हारे ससुराल में बरेल में भाई, और डेली अपने सालों को पीटते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सालों को पीटते हो कि पिटते हो उल्टा, और मेरे वाली बात जाती है। पहले आप चलो हमारी सुनो, तुम इधर हमारी सुनो। तो बोलो ना कि मेरे से पूछ के पैदा हुए थे, बोलो। ये मेरे से पूछ के पैदा हुई, ये सब तुम्हारे यार जुमले यार हमें बहुत पसंद है, इसीलिए हम तुमको फोन मिला देते हैं डेली। हाँ हाँ दूल्हा भाई हैं, तभी तो तुमने मेरे भाई हमको पसंद करके अपनी बहन का हाथ हमारे हाथ में दिया है। पसंद होंगे हम कब करें ना पसंद है, लेकिन तुम साले ऐसे हो ना हमको पसंद नहीं हो। खुद ही मेरे भाई आलन आलन असल के कुत्ते की तरह भौंकते जाते हो और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। तुमने कहा था 25 आयतों के मेरे भाई आपको हवाले दीजिए, मैंने 25 में खाली भाई 5-6 के हवाले दिए और आपका जिन जाग गया। तो सोचिए मैंने पूरे 25 के अगर दे दिए तो आपका क्या होगा। इसीलिए कह रहे हैं शिवू भाई आप 5 लाख रुपए हारे हुए हैं, या तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए या तो उन पैसों से अपने मेरे भाई दिमाग का इलाज कराइए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।